हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मल्टीपल थिंग्स और अल्टीमेट टैलेंट। मैं हूं रवि सोनी। और मैं विकास गुरिया। मैं हूं इकरम चौहान। तो आज हम आपको बैक फ्लिप का ट्यूटोरियल देने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैक फ्लिप के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप जरूरी है। तो वो 3 स्टेप ये है कि आपको पहले अपना जंप इंक्रीज करना है। तो जितना हाई हो सके उतना आपको जंप लेना है। तो जंप किस तरीके से लेना है, अपने पंजों की मदद से, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधा जंप करना है, ठीक है। पीछे नहीं जाना है, ना ही आपको आगे जाना है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट जंप करना है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि अपनी लेग्स को यहाँ से घुटने के ठीक नीचे से आपको टक करना है। जितना आप अंदर की तरफ टक करोगे उतना ही आप फास्ट स्पिन हो सकोगे, फास्ट घूम सकोगे, तो ठीक है। दूसरे स्टेप में आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पीछे जाएगा ताकि वो पीछे की तरफ गिरे ना। तो जब वो जंप करके टक करेगा तो उसको संभालने के लिए वो होना चाहिए, ओके। चलिए इस तरीके से आप टक कर सकते हैं। थर्ड जो बैक फ्लिप के लिए आपको ज़रूरी है वो है थोड़ा रोटेशन, वो टक करके ही मिलेगा आपको, ओके। तो तीसरे स्टेप के लिए आपको एक और पार्टनर की ज़रूरत होगी। इसके लिए एक जो बैक फ्लिप करेगा और दो पार्टनर उसको संभालने के लिए होंगी। तो चलिए पहला पार्टनर जो है, दोनों पार्टनर को ये चाहिए कि उसकी पहले पैंट ऐसे पकड़ना है और दूसरा अपना हाथ जो है उसकी बैक पर रखना है, ओके। तो पहले जंप की प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर जंप अच्छा होगा तो बैक फ्लिप भी अच्छी होगी। तो दूसरे स्टेप में आपको टक करना है इस तरीके से, ओके। तो थर्ड स्टेप में आपको बैक फ्लिप के लिए प्रिपेयर होना है। चलिए तो इस तरीके से आप बैक फ्लिप सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। तो इसी तरीके से आप एक पार्टनर कम कर सकते हैं। तो सिंगल पार्टनर की मदद से बैक फ्लिप करने की कोशिश करेंगे। तो वही तरीका, यहाँ पर हाथ रखा, पैंट पकड़ी उसकी, तो बैक पर हाथ रखेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से ना उसको स्पिन फास्ट कराने के लिए थोड़ा पुश कर सकते हैं। इस तरीके से आप बैक फ्लिप सीख सकते हैं आसानी से। तो 2-3 बार कीजिए, अगर लैंडिंग सही हो तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। धीरे धीरे पहले आपके हाथ लगेंगे, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बैक फ्लिप से ही लैंडिंग कर पाओगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो बैक फ्लिप किस तरह से करेगा साइड व्यू से। तो वही प्रोसीजर द्वारा पहले जंप, उसके बाद टक करना है और उसके बाद बैक फ्लिप करनी है, ओके। तो ये आप बैक फ्लिप का प्रोसीजर। इसी तरीके से आप बैक फ्लिप कर सकोगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे और बैक फ्लिप सीखने की कोशिश करोगे। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले सेफ प्लेस पर करें। बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पहले हार्ड सरफेस पर करें या किसी और जगह पर करें। तो आप ग्रास यूज़ कर सकते हैं या सैंडी एरिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप बैक फ्लिप बिल्कुल आसानी से मार सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बिना डरे बैक फ्लिप कर सकते हैं। ये बैक फ्लिप का सरल और बिल्कुल ही इजी तरीका है बैक फ्लिप सीखने का। तो इसी तरीके से आप कहीं भी फिर बिना डरे बैक फ्लिप मार सकते हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।